ढाई लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, शर्म की बात है। कांग्रेस ने ये प्रयास करेगी कि एक साल के अंदर अंदर ये ढाई लाख पद भरे जाएंगे। 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी, भाग्य में आपको 10 किलो चावल मिलेगी, और ऐसी चावल नहीं जो मुझे एक महिला ने बताया दो दिन पहले कि दीदी जो चावल हमें मिल रही है वो हम खा ही नहीं पाते, हम अच्छी चावल देंगे आपको, 10 किलो देंगे। ही स्टार्ट करेंगे युवा निधि में, जिसका ग्रेजुएशन हो गया है लेकिन नौकरी नहीं है उसको हर महीने 3000 रुपए सरकार देगी, और जिसका डिप्लोमा है उसको 1500 रुपए हर महीने सरकार देगी। इस पार्टी आपकी मेहनत को पहचानते हुए आपके लिए गृह लक्ष्मी योजना लाई है, जिसमें आपको 2000 रुपए हर महीने आपके खाते में जाएगा। आपको बस पास, बस में जाने के लिए जहां भी जाए आपको बस का पास फ्री में मिलेगा। देख 100% प्रगति लाएंगे। ये जो 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने लूटे हैं ये हम किसानों के लिए, इनको मजबूत बनाने के लिए डालेंगे। 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, शर्म की बात है। कांग्रेस ने ये प्रयास करेगी कि एक साल के अंदर अंदर ये 2.5 लाख पद भरे जाएंगे। गृह ज्योति योजना लाना चाहते हैं हम। 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी। अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मिलेगी, और ऐसी चावल नहीं जो मुझे एक महिला ने बताया दो दिन पहले कि दीदी जो चावल हमें मिल रही है वो हम खा ही नहीं पाते, हम अच्छी चावल देंगे आपको, 10 किलो देंगे। युवाओं, एक युवा निधि स्टार्ट करेंगे। युवा निधि में जिसका ग्रेजुएशन हो गया है लेकिन नौकरी नहीं है उसको हर महीने 3000 रुपए सरकार देगी, और जिसका डिप्लोमा है उसको 1500 रुपए हर महीने सरकार देगी। गृह लक्ष्मी योजना, मेरी बहनों सबसे ज्यादा मेहनत आप करती हो, आप घर का बोझ, महंगाई का बोझ, समाज का बोझ उठाती हो। मैं जानती हूं कितना मुश्किल है जीवन, मैं जानती हूं कि इसके बावजूद सबसे कम सहायता समाज आपका करता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आपकी मेहनत को पहचानते हुए आपके लिए गृह लक्ष्मी योजना लाई है, जिसमें आपको 2000 रुपए हर महीने आपके खाते में जाएगा। आपको बस पास, बस में जाने के लिए जहां भी जाए आपको बस का पास फ्री में मिलेगा। देखिए, जो खास तौर से शहरों में डिलीवरी का काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, जो अस्थाई मजदूर हैं, इनके लिए बहुत कम सुविधाएं देती है सरकार, लेकिन आज जो ये काम कर रहे हैं उनकी भी मुसीबतें बहुत हैं। बड़े बड़े शहरों में जाते हैं 4-5 लोग, छोटे छोटे कमरों में रहकर सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं कमाने के लिए, अपने परिवारों के लिए। तो कांग्रेस पार्टी एक न्यूनतम आय तय करना चाहती है घरेलू और डिलीवरी के कर्मियों के लिए, ताकि आपको एक मिनिमम वेज मिलना चाहिए जिससे आपका कोई फायदा आपका शोषण न कर पाए। इसी तरह से 3000 करोड़ रुपए हम बजट में अस्थाई कर्मी के कल्याण के बोर्ड में डालेंगे, ऑटो ड्राइवर के लिए, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए भी हम एक ऐसी कल्याण का बोर्ड बनाएंगे जिसमें 50-50 करोड़ रुपए डाल के उनकी मदद और उनकी सहायता के लिए हम काम करेंगे। जो रुकी हुई सिंचाई की योजनाएं हैं, आप जानते हैं कई नदियों से जो सिंचाई की योजनाएं कांग्रेस ने शुरू की थी उनको रोका गया, बीजेपी ने उनका कुछ भी आगे काम नहीं बढ़ाया। और जैसे कांग्रेस ने गोवा के साथ ट्राइब्यूनल बनाया था महादाई जो प्रोजेक्ट था उसके लिए कि समस्याएं हम सुलझाएं,
ये सब चीजें भी भाजपा ने रोक दी, तो हम इनको फिर से शुरू करेंगे ताकि आपकी सिंचाई में मुसीबतें कम हो। इसी तरह से हमने सोचा है कि जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, आपके लिए भी फंड्स बने, आपके एक वेलफेयर फंड बने, ताकि जितना नुकसान आपने लिया है इन 3.5 सालों में, उससे कुछ राहत मिले आपको। हमने लाइट इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम चाहते हैं कि नए नए उद्योग बने। हम चाहते हैं कि कर्नाटका में जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जो पेट्रोल डीजल से नहीं चलती, जो आजकल एक बहुत नई चीज निकली है, हम चाहते हैं कि कर्नाटका ही इनका हब बने, यहां सबसे ज्यादा बने, इससे बहुत रोजगार मिलेंगे। और बीदर से लेकर चामराजनगर तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, जिसमें टाउनशिप बने, और अनेक विधानसभाओं में 10 करोड़ के स्टार्टअप फंड की, ये जो नौजवान है अगर एक छोटी सी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उस विधानसभा से ही उनको थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी मदद मिल सकती है कि अपने ही पैरों पे खड़े हो जाएं। कर्नाटका के लिए बहुत सारी चीजें सोची हैं, मंगलुरु में एक टूरिज्म और बिजनेस के लिए, जैसे दुबई में होता है गोल्ड और डायमंड पार्क बने, जैसे बेंगलुरु में आईटी सेक्टर मजबूत हुआ है और दुनिया में जाना जाता है, तो क्यों ना ये काम छोटे छोटे शहरों में भी, जो टू टीयर की शहरों हैं, के शहर हैं, उनमें क्यों नहीं कर सकते। तो हमारा प्लान है कि मैसूरु, हुबली, धारवाड़, गुलबर्गा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा जैसे जो छोटे शहर हैं, इसमें भी हम आईटी को मजबूत करें, टेक को मजबूत करें। ये सब हमारी योजनाएं हैं, हम आपके लिए करना चाहते हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।